हिसाब से इनके रोजगार की व्यवस्था की। सर इनकी क्या एज ग्रुप होगा जो लाए हैं आप? अधिकांश बच्चे मैडम 18 से नीचे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से थोड़ी बहुत 1-2 साल। सर थोड़ा सा आप शेयर करेंगे कैसे लिंक मिली, कैसे प्लान किया? हमने ग्रुप बालक बालिकाओं के जितने भी प्रकरण थे हमने उस सारे प्रकरणों में राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की थी और सारे हमारे अनुविभागीय अधिकारी उसमें लगे रहे। और उसी दौरान हमें जब ईरा गांव के एक प्रकरण में हम जब सेलम गए तो हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि तमिलनाडु के भिन्न भिन्न फैक्ट्रियों में लोग जो है वो तमिल छत्तीसगढ़ के बच्चों को ला करके रखें। और उसी सूचना के आधार पर हमने टीम बनाकर यहाँ से रवाना की। तो वहाँ के जो एनजीओ हैं, वेद भट्टाचार्य जो एनजीओ चलाते हैं, जो स्पेशल रेलवे प्रोटेक्शन चाइल्ड के जो कंटेक्ट में, तो उनसे फिर हमने संपर्क किया और काफ़ी मशक्कत के बाद वहाँ की लोकल पुलिस समूह के सहयोग से ये एसआर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसको कहते हैं उन समूह के मदद से इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सर कितना समय लगा इसको क्रैश करने के बाद? अभी देखिए ये पिछले 2 महीने से हमारा ये अभियान चल रहा था, लेकिन अभी जो ईरा गांव में जो एक लड़की जो गायब हुई थी, गुम बालक बालक 363 का हमने जो FIR किया था, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि वहाँ पे इस धन की जो है मतलब जो बातें हैं वो सामने आई। सर जिले के अलग जगह से हैं ये, कुछ क्षेत्र माओवादी इलाकों में भी जाता है, क्या आप नहीं मान सकते हैं कुछ माओवादी लगे के कारण भी लोग कलंक की स्थिति? देखिए ये तो ये खुद ही बता सकते हैं इस पर हम, क्योंकि हमारे पास इन्होंने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि इन्होंने किस कारण से गए। बस हम तो इतना कह सकते हैं कि पैसे का प्रलोभन दिया गया इसलिए यहाँ से गए, उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। आप इनसे खुद बात। सर इसमें किसी को आरोपी बनाए हैं सर? हाँ हमने 3 FIR लिए हैं, हमने 3 FIR लिए हैं, माकड़ी थाने में FIR लिया है, गुंडागांव थाने में FIR लिया है, फरसगांव थाने में FIR लिया है। और अभी और भी जो 300 बच्चों की हमें और सूचना मिली है उसमें भी यदि उनके अभिभावक सामने आएंगे तो हम उसमें भी FIR ले रहे हैं, उसमें भी उनको छुड़ाने की कार्रवाई करेंगे।